अजीत एम्बुलेंस बुलाओ। यस सर। दिल्ली देश की राजधानी ना बने ये अपराध की राजधानी, ये रहे सुरक्षित, इसके लिए यहाँ की पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है। जब भी कहीं अपराध होता है तो उसे सुलझाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देती है। एक प्रादेशिक अखबार के अनुसार अगर आम जनता पुलिस का सहयोग करे तो 70% केसेस बेहद आसानी से सुलझाए जा सकते हैं और अपराधियों को सजा दिलवाई जा सकती है। आज तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है दिल्ली की। एक बार को अपराध और अपराधी पुलिस की नजरों से बच भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई आम आदमी उसका गवाह जरूर बन जाता है। दोस्तों, अगर आम जनता पुलिस की मदद करे तो कई अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। ये कहानी ऐसी ही एक आम लड़की कावेरी की है, जिसकी मदद से पुलिस ने एक बेहद पेचीदा केस को न सिर्फ सुलझाया बल्कि अपराधी को सजा भी दिलवाई। हेलो, तो मैं सावस्थी जी बोल रहा हूँ। जी, आपने अपनी बीबी प्रेमा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी ना? हाँ जी, कुछ पता चला क्या? जो लिया तुमने अपनी बीबी का बताया था, उसे मिलती जुलती एक डेड बॉडी हमें मिली है। आके देख लीजिए। जी, मैं आता हूं। ये मेरी पत्नी प्रेमा नहीं है। ये आपकी चाय। हेलो। हाँ रचना, बोल। हाँ जीजू, बोलिए। कावेरी, वो दीदी का कुछ पता चला क्या? कावेरी, अभी तक कुछ पता नहीं चला और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि प्रेमा मुझे बिना बताए कहाँ चली गई। मामा, पापा चले गए क्या? हाँ, लेकिन तू इतना परेशान क्यों लग रही है? जीजू का फोन आया था मामा, दीदी 3 दिन से घर नहीं लौटी है। क्या? जी मामा। प्रेमा, मैंने मना किया था ना, इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा। वो खो गई है। आप उसे? मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में, मर चुकी है हमारे लिए। और तुम भी जितनी जल्दी हो सके भूल जाओ ये सब। कैसे भूल जाओ अपने बच्चे को? अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा मैं सब समझ सकती हूँ। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, उस लड़के सोमेश को भूल जा, मैं उसके साथ तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगा। और क्या देख रही है? सुनिए, मत मारिए, मैं इसे समझाऊंगी। आज से इसका घर से बाहर निकलना बंद। और तुम्हारी बड़ी बहन ने एक लड़का बताया था ना, उससे बात चलाओ। 1 महीने के अंदर इसकी शादी करके मैं इसे घर से बाहर कर दूंगा। मम्मी, मैं जा रही हूँ सोमेश के साथ। आपने मेरी शादी के लिए जो गहने बनवाए थे वो लेकर जा रही हूँ। पापा को ये चोरी लगेगी, लेकिन ये चोरी नहीं है, मेरी चीजें मैं लेके जा रही हूँ। आपकी प्रेमा। मम्मा, पापा मुझे दिल्ली जाना है प्रेमा दीदी को ढूंढने के लिए। पापा, मर चुकी है वो हमारे लिए। यहाँ प्रेमा नाम की लड़की रहती थी, उसे आप लोगों ने आखिरी बार कब देखा? जी, 2 फरवरी की शाम को मैंने देखा था। प्रेमा के घर में किसी को आते हुए या प्रेमा को किसी के साथ जाते हुए देखा था आप लोगों ने? सर, यहाँ ठंडी इतनी ज्यादा है कि शाम के बाद पूरी गली सुनसान हो जाती है। हाँ सर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ कुछ देखा होगा। प्रेमा के घर में या बाहर उस दिन ऐसी कोई बात हुई हो जो आप लोगों को अजीब लगी हो? नहीं साहब, ऐसा कुछ अजीब तो नहीं देखा। सर, सोमेश की फैक्ट्री में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद वहां किसी को कुछ पता हो। नहीं नहीं साहब, प्रेमा भाभी तो उस दिन इधर आई नहीं थी,
सारे वर्कर भी शाम को घर चले जाते हैं। मतलब तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम? ये बता साहब। अजीत एक काम करो, अपने दो वल्लर शादी वर्दी में सोमेश के एरिया में भेजो और वहाँ के लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। जी सर। और आज ही सोमेश को थाने बुलवाओ। जी। तुम्हारे घर और फैक्ट्री के आसपास से सबसे पूछताछ करने के बाद मुझे यही लग रहा है कि तुम्हारी बीवी खुद ही कहीं चली गई है। सर, 2 साल होने को आए हैं हमारी शादी को, लेकिन आज तक प्रेमा मुझे बिना बताए कहीं नहीं गई है। देखो, हमारे यहाँ भटकने से कुछ पता नहीं चलने वाला। तुम एक काम करो, तुम किसी नेशनल न्यूज़पेपर में उसके गुमशुदा होने की एड दे दो, हो सकता है वहां से कुछ पता चल जाए। देखिए, ना ही मैंने कोई एड छपवाई है, ना ही वो मेरी बेटी है। बस 10 जानने वाले फोन कर चुके हैं, चैन से जीने नहीं देंगे ये लोग मुझे। पापा, मैं दिल्ली जाऊंगी प्रेमा दीदी को ढूंढने। तुम अगर दिल्ली गई तो मैं समझूंगा प्रेमा की तरह तुम भी मेरे लिए मर गई। हाँ जीजू, मैं रात की ट्रेन से दिल्ली आ रही हूँ, सुबह तक आ जाऊंगी। अरे रहने दे कावेरी, ये सब मैं कर दूंगा। जीजू, दीदी ने आपसे कुछ भी नहीं कहा कि वो कहां जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बताया। उस दिन मुझसे बहुत नाराज थी। क्यों? हमारा एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था। मैं तुम्हारी अपने माँ बाप, अपना घर सब छोड़कर आ गई, और एक तुम हो, रोज मुझे अकेला छोड़ के फैक्ट्री में दिन रात लगे रहते हो। मैं वहाँ कोई अयाशी नहीं करता। एक तो फैक्ट्री वैसी घाटे में चल रही है, और अब भी ध्यान नहीं दिया तो ताला लगाना पड़ जाएगा। आज मैं तुम्हें फैक्ट्री नहीं जाने दूँ, दिन रात घर में पड़े पड़े सर चुकी हूँ। प्लीज मुझे कहीं ले चलो, प्लीज। उसी टाइम से शोपीस के टुकड़े यहाँ पड़े। झगड़े के बाद मैं फैक्ट्री चला गया था और रात को वहीं सो गया। जब सुबह घर लौट कर आया तो देखा प्रेमा घर पर नहीं थी। दीदी, ये सब कुछ मत बोल। मैं सुमेश के साथ दिल्ली जा रही हूँ, उसके साथ शादी करके वहीं रहूंगी। नहीं दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। हम पापा से बात करेंगे, पापा आपकी और सुमेश की शादी के लिए पक्का मान जाएंगे। नहीं मानेंगे काफी। अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं अपनी जान ले लूंगी। और अपना ध्यान रखना, मैं तुझे फोन करती रहूंगी। हेलो सुमेश, तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाओ। जी, कुछ पता चला प्रेमा का? आ जाओ, बताते हैं। जी ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ जीजू? पुलिस स्टेशन से फोन था, बुलाया है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ये कौन है? सर, ये प्रेमा की छोटी बहन है, उसी के लिए आई है। सुमेश, तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों से दोबारा पूछताछ के बाद ये पता चला कि जिस रात तुम्हारी बीवी गायब हुई उसी दिन दोपहर में तुम्हारी अपनी बीवी प्रेमा के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। हाँ सर, मैंने प्रेमा पर हाथ उठाया था,
क्योंकि उसने मुझे फैक्ट्री जाने से रोकने की कोशिश की थी। आज मैं तुम्हें फैक्ट्री नहीं जाने दूंगी। हाँ छोड़ो। आज मैं तुम्हें फैक्ट्री नहीं जाने दूंगी। हाँ छोड़ो मेरा। नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। सॉरी कावेरी, मैंने तुमसे भी ये बात छुपाई, लेकिन जब से प्रेमा गई है मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही कि मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया। पता नहीं प्रेमा कहाँ होगी, मुझे मिलेगी भी यार। हिम्मत मत हारिए जीजू, दीदी मिल जाएंगी। देखो ये घरेलू झगड़े का मामला है, आप लोग परेशान मत हो, जैसे ही आपकी बीवी का गुस्सा शांत हो जाएगा वो खुद ब खुद लौट आएगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग सच जानकर भी पुलिस से छिपाते हैं, ये सोचकर कि कहीं वो खुद किसी मुसीबत में न फंस जाएं, लेकिन उनका यही डर पुलिस के काम को और मुश्किल बना देता है। फिलहाल पुलिस ने यह मामला घरेलू झगड़े का कहकर आगे कार्यवाही से मना कर दिया, लेकिन प्रेमा का यूं अचानक गायब हो जाना उसकी छोटी बहन कावेरी के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया था, और उसने तय कर लिया था कि वो जानकर रहेगी आखिर उसकी बहन गई कहां। ये सर्दी की दवाई तो नहीं लगती? तुम प्रेमा की बहन हो ना? जी हाँ। मेरा नाम सविता है, मैं पड़ोस में रहती हूँ। प्रेमा का कुछ पता चला? जी नहीं। अच्छा ये मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लेना। तुम शादीशुदा हो तो फिर मांग क्यों नहीं भरती हो? जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नहीं हो तो फिर ये विटामिन की गोलियाँ जो प्रेग्नेंट औरतें खाती है वो तुम क्यों खा रही हो? जी ये तो मेरी दीदी की दवाइयाँ है। ये प्रेमा की दवाइयाँ है? तो क्या प्रेमा प्रेग्नेंट थी? दीदी प्रेग्नेंट थी? जीजू आप पी कर रहे हैं? जब से भाभी जी गई है ना तब से ये शराब पीने लगा है, वरना पहले नहीं पीता था। संभालिए इसे, मैं चलता हूं। संभाल कर जीजू। जीजू ये लीजिए नींबू पानी, आपको अच्छा लगेगा। सॉरी कावेरी। जीजू आपने बताया नहीं दीदी प्रेग्नेंट थी? क्या प्रेमा प्रेग्नेंट थी? दीदी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन आपको भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट थी? अरे कावेरी तुम उठ गई, अच्छा हुआ। चलो तुम मेरे घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। और मुझे एक बड़ी जरूरी बात भी करनी है तुमसे। बात? हाँ। चलो चलो आ जाओ घर पर आ जाओ। ठीक है मैं आती हूँ। कावेरी के लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि प्रेमा ने अपनी प्रेगनेंसी की बात सुमेश से भी छिपाई थी। एक पत्नी अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने पति से क्यों छिपाएगी? वजह जो भी हो वो कोई मामूली वजह नहीं हो सकती, और अब कावेरी के लिए उस वजह को जानना बेहद जरूरी हो गया। एक बात बताऊं कावेरी, मुझे लगता है तुम्हारी बहन सोमेश को छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गई है। ये आप क्या बकवास कर रही हैं? मेरी दीदी सोमेश जीजू से बहुत प्यार करती थी, वो ऐसे नहीं कर सकती हैं। अपनी बहन के बारे में ये सब सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने खुद देखा है। सोमेश के जाने के बाद पिछले कुछ दिनों से एक आदमी प्रेमा से मिलने के लिए रोज घर पर आता था। उस आदमी का नाम पता कुछ? वो अंकल का नाम आकाश था। मैंने एक दो बार प्रेमा आंटी को उनका नाम लेते हुए सुना था। एक बात बताऊं कावेरी,
मुझे लगता है तुम्हारी बहन सोमेश को छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गई है। वो अंकल का नाम आकाश था। मैंने एक दो बार हेमा आंटी को उनका नाम लेते हुए सुना था। कहीं दीदी का सच में उसके साथ अफेयर, और ये बच्चा भी उसी का, और शायद इसीलिए दीदी ने ये बात जीजू से छिपाई होगी। नहीं, मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। दीदी तो जीजू से बहुत प्यार करती थी ना, ऐसा नहीं हो सकता। कावेरी, पुलिस का कहना है कि वो फिलहाल हमारी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकते। देखो, तुम यहाँ और रहकर परेशान मत हो, वापस चली जाओ। जीजू, कभी आपको ऐसा लगा कि दीदी आपसे नाखुश थी? उसने मेरे साथ जैसी जिंदगी जीने के सपने देखे थे, वो जिंदगी, वो खुशियां मैं उसे दे ही नहीं पाया। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। मैं भी आती हूँ जीजू। संकोच और शर्म के मारे कावेरी अपने जीजा सोमेश से अपनी बहन प्रेमा के अफेयर के बारे में खुलकर पूछ भी नहीं पा रही थी। नहीं भाभी, मैं पुलिस या जीजू की मदद नहीं ले सकती हूँ। आप तो समझ सकते हो ना, अगर कल को जीजू को ये सब के बारे में पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। आप एक काम कीजिए ना भाभी, आप अपनी बेटी के स्कूल जाने के बाद मेरे साथ चलिए। हम दोनों मिलकर उस आकाश को पूरे शहर में ढूंढेंगे। भाभी, पागल हो गई हो तुम क्या? दिल्ली इतना बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? प्लीज भाभी, प्लीज आप मेरे साथ चलिए ना। अब ये आकाश ही आखिरी उम्मीद है मेरी दीदी को ढूंढने की, और मुझे पूरा यकीन है कि हम उस आकाश को ढूंढ निकालेंगे। प्लीज भाभी, आप मेरे साथ चलिए ना, प्लीज। भाई साहब, आप किसी आकाश नाम के आदमी को जानते हैं क्या? वो शायद यहीं कहीं रहता है। नहीं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप किसी आकाश नाम के आदमी को जानते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। कावेरी, देखो तुम इतने दिनों से कोशिश कर रही हो, अब छोड़ दो ये सब। और वैसे भी अगर प्रेमा को आना होता तो वो कब की आ जाती? जीजू, बस एक हफ्ता और दे रही हूं मैं खुद को। ठीक है। ऑटो, रवि सर है। जी, मैं आकाश। आकाश? वो अंकल का नाम आकाश था। मैंने एक दो बार हेमा आंटी को उनका नाम लेते हुए सुना। ये सब क्या चल रहा था तुम्हारा मेरी दीदी के साथ? और तुम ही हो ना वो जो जीजू के जाने के बाद उनसे छिप छिप के मिलने आते थे? बोलो, कहाँ है मेरी दीदी? देखिए, मेरा आपकी दीदी के साथ कोई अफेयर अफेयर नहीं था। मैं तो बैंक में काम करता हूँ, और आपकी दीदी ने ही हमारे बैंक से 50,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया था। झूठ मत बोलो तुम। अब ये देखिए,
ये लोन की पेपर्स, इसी के किश्ते लेने के लिए तो मैं आता हूँ। और आपकी दीदी ने ही कहा था कि उनके पति के बाहर जाने के बाद ही मैं आया करूँ। शायद उन्होंने अपने पति से ये बात छुपाई हो। ये यहाँ पे सिग्नेचर। पचास हजार का लोन? जीजू, पर दीदी को इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी होगी? मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा था। दिल्ली आने के बाद प्रेमा का बहुत हाथ खुल गया था। मैं उसे खर्चे तक के पैसे नहीं दे पा रहा था, शायद इसीलिए उसने लोन लिया होगा। और करती भी क्या बेचारी, कब तक अपनी इच्छाओं को मारती रहती। सब मेरी गलती है कि मैं उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। थैंक यू बहन। यहाँ अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर अपनी खुद की जिंदगी को खतरे में मत डालो। चले जाओ यहाँ से। क्या क्या जानते हैं आप मेरी बहन के बारे में? तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। भाई साहब, पिछले कुछ दिनों में जो भी सच्चाई कावेरी के सामने आई थी और आज शाहनवाज की चेतावनी ने उसे अचंभित कर दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ हुआ था उसमें से क्या सच है और क्या झूठ, किस पर यकीन करे किस पर ना करे। हजारों सवाल, हजारों उलझनों के साथ उसके दिमाग में उमड़ रहे थे और साथ ही उसकी जान पर मंडरा रहा था एक अनजाना खतरा। हेलो माँ, यहाँ पे दीदी के बारे में बहुत ही अजीब अजीब सी बातें पता चल रही हैं। दीदी और जीजू का झगड़ा होता था कभी कभी, तो जीजू दीदी पे हाथ भी उठाते थे। क्या? और माँ, दीदी 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। क्या प्रेमा प्रेग्नेंट थी? हाँ माँ, दीदी ने ये बात मुझसे तो छिपाई, उन्होंने ये बात जीजू को भी नहीं बताई। माँ, दीदी के पड़ोस में ना एक सविता भाभी रहती हैं, उन्होंने बताया कि दीदी का किसी और लड़के के साथ अफेयर था और दीदी उसके साथ चली गई हैं। लेकिन आज पता चला कि वो लड़का तो किसी बैंक में काम करता था और माँ, दीदी ने उससे 50,000 रुपए का लोन लिया हुआ था। कावेरी, पता नहीं प्रेमा के साथ आखिर हो क्या रहा है। और माँ, आज मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे कहा कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाऊँ, नहीं तो मेरी जान को खतरा है। कावेरी देख, तू एक काम कर, आज ही वापस आ जा। माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अब दीदी को लेकर ही वापस आऊंगी। फोन रखती हूँ माँ। कैसे पता करूँ दीदी कहाँ पे है? शायद दीदी के सामान में कोई फोन नंबर या एड्रेस हो जिससे दीदी का पता चल जाए। हाँ, कोर्ट में शादी के एप्लीकेशन देने वाले पेपर्स हैं और इसमें सिर्फ दीदी की साइन। जीजू ने साइन क्यों नहीं किए? आप तो ना 2 साल से साथ रह रहे थे और फिर भी आपने शादी नहीं की। शादी तो की थी लेकिन मंदिर में, बल्कि मैंने ही प्रेमा को कहा था कि हम लोग कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं। जो वोटर आईडी बनवाना हो या बैंक में अकाउंट खुलवाना हो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर आपने इस पे साइन क्यों नहीं किए? प्रेमा खुद ही ये कागज रखकर कहीं भूल गई थी, इसलिए नहीं कर पाया। अरे जीजू, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मुंबई जा रहा हूँ, फैक्ट्री को सामान लेकर आना है। क्यों अचानक? टिकट तो 7 दिन पहले ही बन गई थी, बस तुम्हें बताना भूल गया। 2 दिन में वापस लौट के आ जाऊंगा, अगर प्रेमा का कुछ पता चले तो फोन जरूर कर देना। ऑटो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। कावेरी अपना ध्यान रख।
भैया ऑटो आगे से राइट लेना। पर स्टेशन का रास्ता तो आगे से लेफ्ट में है ना साहब? जिस तरफ बोला उस तरफ लेना। ठीक है साहब। कावेरी यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही है। अगर कुछ दिन और रुकी तो उसको मुझ पे शक हो जाएगा। आज भी बड़ी पूछताछ कर रही थी। अगर वो यहाँ से नहीं जा रही है तो हम उसे भी उसकी बहन के पास भेज देते हैं, उसी की तरह काट के कहीं फेंक देंगे। पुलिस को तो प्रेमा की लाश मिल गई थी। नहीं, ये मेरी पत्नी प्रेमा नहीं है, लेकिन इस कावेरी के टुकड़े करके ऐसे गंदे नाले में फेंकेंगे कि किसी को भी इसकी लाश तक नहीं मिलेगी। मैम, ये मेरे प्रेमा दीदी की प्रेगनेंसी की फाइल है, आज ही मिली थी मुझे। एक्चुअली इसमें आपके क्लिनिक का एड्रेस था। जी हाँ, प्रेमा का चेकअप मेरे ही क्लिनिक में हुआ था। मैं पहली बार अपने पति के साथ आई थी चेकअप कराने। सुमेश चीचू के साथ? प्रेमा दीदी यहाँ पे सुमेश चीचू के साथ चेकअप करवाने आई थी? जी हाँ, और टेस्ट के बाद जब सुमेश को पता चला कि प्रेमा प्रेग्नेंट है तो सुमेश ने उसे बच्चा एबॉर्ट कराने को कहा। जीजू, आपने बताया नहीं दीदी प्रेग्नेंट थी? क्या प्रेमा प्रेग्नेंट थी? यानी कि सुमेश जीजू को पता था कि प्रेमा दीदी प्रेग्नेंट है और उसके बाद भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला? डॉक्टर, उन्होंने कुछ रीजन बताया था अबॉर्शन के लिए? जी नहीं। हेलो, सुमेश से बात करनी है। जी, वो तो घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। आप कौन? जी, मैं लाजपत नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। उनकी पत्नी प्रेमा के हुलिये से मिलती जुलती एक डेड बॉडी मिली है। जी, मैं प्रेमा दीदी की बहन बोल रही हूँ। तो एक काम कीजिए, आप आके पहचान कर जाइए। जी, मैं आती हूँ। ये बॉडी मेरी दीदी की नहीं थी। मेरी दीदी के हाथ पे तो उनके नाम के पहले अक्षर पी का टैटू बना हुआ था। अरे, उस लाश को तो हमने 4 दिन पहले जला दिया था। उसका कोई क्लेम करने नहीं आया था। रिकॉर्ड में बॉडी का फोटो है ना? जी साहब। जाओ लेके आओ। सुमेश को भी ये बॉडी दिखाई थी, फिर उसने पहचानने से मना क्यों कर दिया? हाँ सर, मैं लेके गया था सुमेश को, मेरे सामने ही मना किया था उसने। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। जीजू शुरू से झूठ बोल रहे हैं। उन्हें पता था कि दीदी प्रेग्नेंट है। आपकी सारी बातों से यही लग रहा है कि प्रेमा के मर्डर में सुमेश कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। अगर प्रेमा का मर्डर सुमेश ने नहीं किया तो जरूर किसी और से करवाया होगा। पर जीजू ऐसा क्यों करेंगे सर? वो तो उनसे ही उगलवाना पड़ेगा। कहाँ है वो? सर, वो मुंबई गए हैं, कल आ जाएंगे। अजीत। यस सर। सुमेश को सामने से फोन करके मत बुलाना, उसे अपने आप लौटने दो। बस 2 हवलदार सादी वर्दी में उसके घर के बाहर तैनात रखो। जैसे ही वो लौटता है उसको उठाकर थाने लाओ। यस सर।
प्रेमा नहीं रहे, नहीं रहे मेरे बच्चे। कावेरी बेटा संभाल अपने आप को, मैं आज ही तुझे लेने आ रहा हूं। नमस्ते। वो सोमेश भाई आ गए हैं, आपको फैक्ट्री में बुलाया है। जी वो इंस्पेक्टर साहब ने बोला था कि जीजू के आने की इत्तला मैं उन्हें दे दूं। बाहर दो हवलदार खड़े, मैं बस उन्हें बता के बस अभी आती हूं। बोल साहब, पुलिस को लगता है आप पे शक हो गया। वो आपके घर के बाहर ही खड़ी है। उस कावेरी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। ना वो शहर में आती और ना ही पुलिस इस केस में घुसती। तू कहाँ है? मैं आपके घर पे ही हूँ। कावेरी बाहर जाने वाली थी लेकिन मैंने उसे रोक लिया। वो अभी बेहोश पड़ी है। बोरी में डाल उसे और पीछे के दरवाजे से फैक्ट्री में ले आ। ठीक है साहब। क्या है इसमें? जा अपना काम कर। अरे पता इसमें है क्या? पता नहीं तेरे को क्या है? मानेगा नहीं तू? नहीं मानेगा मैं। साले और पूछेगा क्या इसमें? पूछेगा? साहब क्या हुआ? एक बंदा के टेम्पो पे बोरा लेके गया साहब। साहब मेरे को लगता है उसमें कोई लाश होगा साहब। अब जाओ ना साहब, साहब उसका पीछा करो साहब। देखो देखो साहब। हेलो कंट्रोल रूम, मोहन गाड़ी निकालो। वो टेम्पो का नंबर क्या है? सर टेम्पो का नंबर नहीं देख पाया था। सोमेश के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। अजी टाइम कम है, कावेरी मरनी नहीं चाहिए। यस सर। तुझे कितनी बार कहा था कि वापस चली जा, लेकिन तू है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। अब जाएगी तो तेरी दीदी के पास।
बहुत भाग रही थी ना, बहुत भाग रही थी। और बोलेगी मुझे मारेगी तू? सर सर बस बस ये बस आगे लेफ्ट से उसकी मोड़ गया। लेफ्ट से घुमा गाड़ी जल्दी। पता अब कहाँ जाएगी मेरे से बच के? आज अगर कावेरी की जान बची और सुमेश पकड़ा गया तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक आम आदमी को। वो आम आदमी था शाहनवाज, जो उस इलाके में अपनी छोटी सी गोश्त की दुकान चलाता था। मैं बताता हूँ, 2 साल पहले प्रेमा के पैसों के लिए मैंने उससे प्यार का नाटक किया था और फिर वो मेरे प्यार के बहकावे में आ गई थी। प्रेमा, हम यहाँ से भागकर दिल्ली तो चले जाएंगे, लेकिन वहां जाकर करेंगे क्या? तुम परेशान मत हो, माँ ने मेरी शादी के लिए बहुत सारे गहने बनाए, उन्हें बेचकर तुम दिल्ली में कुछ अच्छा काम कर सकते हो। मैंने प्रेमा से कभी प्यार नहीं किया था, मुझे मुझे उसके पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसे दिखाने के लिए मैंने मंदिर में शादी की और फिर उसके पैसों से फैक्ट्री शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिन बाद प्रेमा प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा, लेकिन उस दिन के बाद से वो कोर्ट में शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ गई। तुमने मुझसे शादी मेरे पैसों के लिए की थी ना? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, तुम्हें सबके सामने मुझे कोर्ट में शादी करनी होगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और फिर उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया था। उस रात मैंने अरविंद और तेजेंद्र के साथ मिलकर प्रेमा को मारने का पूरा प्लान बना लिया था और फिर तेजेंद्र को भेजा कि वो प्रेमा को फैक्ट्री में बुला लाए। और जब प्रेमा फैक्ट्री में आई तो प्रेमा, मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। क्या ये एक प्रेम कहानी थी? बिल्कुल नहीं, ये महज एक धोखा था और प्रेमा इस धोखे में ऐसी उलझती चली गई कि जब तक उसे सुमेश की सच्चाई पता चली बहुत देर हो चुकी थी। किसी से प्यार करना गलत नहीं है,
लेकिन दिल के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ये सोचना समझना बहुत जरूरी है कि कहीं जिससे आप प्यार कर रहे हैं वो आपको बहका तो नहीं रहा। अपनी गलती की वजह से प्रेमा ने पहले अपने परिवार, अपने माँ बाप को खोया, उसके बाद अपनी जान से भी हाथ धो बैठी। आज सोमेश पर दिल्ली की एक अदालत में हत्या का मुकदमा चल रहा है, लेकिन कावेरी का संघर्ष अब भी जारी है। सोमेश को पकड़वा कर वो सिर्फ आधी लड़ाई जीती है। उसे पूरी जीत तब हासिल होगी जब सोमेश को फांसी मिलेगी। इस केस से एक बात और सामने निकल कर आती है कि अगर आम जनता अपराध के खिलाफ एकजुट हो जाए, अगर हम सब सजग और सतर्क हो जाएं, अपराध होते देखकर चुप ना बैठे और पुलिस को सही समय पर पूरी और सही जानकारी दें, तो दिल्ली क्या पूरे देश में अपराध पर लगाम लगाना नामुमकिन नहीं है। इस उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।